धैर्य भारद्वाज पलवल जिले के एक गांव के किसान हैं, जो अमरूद, नींबू और कीनू जैसे फलों की बागवानी करते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा सम्मानित धैर्य हॉर्टिकल्चर विभाग पर संपूर्ण भरोसा जताते हैं और बागवानी को फायदेमंद व्यवसाय बताते हैं। जब मैं 15 साल का था, मैं अपने नाना जी की मदद करने के लिए फार्म पे आने लगा। हम लोग ट्रेडिशनल खेती करते, धान, मूंग और गेहूं की खेती करते थे, पर उसमें इतना ल्यूक्रेटिव नहीं था, तो हमें ऐसा लगा कि धान की खेती को छोड़कर हम लोग बागों की तरफ चलें, तो हमने इंटरक्रॉपिंग की। इसमें हमने बागों के साथ साथ सब्जियों की भी खेती की। जब तक 4 साल में 3 साल में बाग मैच्योर होता था, तो हम इतने इंटरक्रॉपिंग करते रहे सब्जी की। आज भगवान की दया से हम लोगों के पास 55 एकड़ में अमरूद और नींबू और किन्नू का बाग है, और इसमें रिटर्न भी जो ट्रेडिशनल खेती है उससे कई गुना ज़्यादा है। ट्रेडिशनल खेती में हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरी इनपुट लगती रहती है, पूरे साल हम पैसा लगाते रहते हैं। इसमें हमें एक बार पैसा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, वो पौधे भी देता है, उनके रखरखाव के पैसे भी देता है, और वो दवाई ववाई सब कुछ हम लोगों को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से मिलती है। अमरूद का लगाएं तो मिनिमम 70,000 रुपये एकड़ के हिसाब से साल की रिटर्न है, और जो मैक्सिमम रिटर्न है जो हम लोगों के हाइब्रिड के गुआवा है, 1 kg गुआवा और थाई गुआवा, उसमें हम लोगों को 2 लाख रुपये एकड़ तक का भी रिटर्न आ रहा है। साल भर एक साल मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद लगभग 30-40 साल तक रिटर्न है। तो मेरा शुरू से हॉर्टिकल्चर की तरफ से इंटरेस्ट था, पेड़ पौधों में मेरा अच्छा लगता था कि जंगलों में हम रहें, परमा कल्चर करें। तो इसी तरीके से हमने स्टार्टिंग की, हमने 9 एकड़ से स्टार्टिंग की हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से। आज 55 एकड़ हरियाणा में और इतना ही हम लोगों ने राजस्थान में बागवानी की है, और इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। आप नेचर के बीच हैं, पक्षियों के बीच हैं, और हरियाणा सरकार द्वारा मुझे बेस्ट हॉर्टिकल्चर अवार्ड प्लस एग्रोफॉरेस्ट्री का भी बेस्ट फार्मर अवार्ड पर एग्रोफॉरेस्ट्री भी मिला मुझे। आज की डेट में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट फूड प्रोसेसिंग के भी लिए भी सब्सिडी दे रहा है। अगर आपको ये सोचते हैं कि आप लोगों की मार्केटिंग में प्रॉब्लम आएगी, पल्प यूनिट लगा लीजिए, आप कोई भी प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं। जो नई पीढ़ी है, हमारे पढ़े लिखे लोग खेती को हल्का मानते हो, बिल्कुल ना माने, कि आने वाला टाइम खेती का होगा। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत आपको छोटी से बड़ी सब्सिडी मिल सकती है। आप इतना, मतलब हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट तो इतना फ्लेक्सिबल है, वो लोग कहते हैं आपको क्या चाहिए हम प्रोवाइड करेंगे, इससे अच्छा क्या हो सकता है। वो मेरे को खजूर की खेती का मन था, जबकि खजूर का एक पेड़ 3,000 रुपये का था, उन्होंने मुझे 90% सब्सिडी पे एमिरेट से खजूर का पेड़ मंगा के दिया। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, हम जो चीज़ चाहते हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट वो दे रहा है। मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के लिए, मैं एक थम्स अप दूंगा, क्योंकि आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय देयर ऑल द सब्सिडीज दे आर गिविंग टू अस, तो आई एम फील गुड फॉर इट। धैर्य भारद्वाज के लिए बागवानी काफी फलदायक साबित हुआ है। इसका काफी श्रेय वो हरियाणा सरकार और हॉर्टिकल्चर विभाग को देते हैं। साथ ही वो उम्मीद करते हैं कि युवा पीढ़ी बागवानी को अपना भविष्य बनाएगी और सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाएगी।